हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाव आइडिया। मैं हूँ सुमेधा, आप सबकी दोस्त। और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी साबूदाना की खिचड़ी। गाइस, आज मैं आपको परफेक्ट साबूदाना की खिली खिली और नॉन स्टिकी खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है हमें। तो गाइस, सबसे पहले मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है। साबूदाना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब ज़्यादा कम ले सकते हैं। तो उसको मैंने अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लिया है। इसको धोना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत गंदगी होती है क्योंकि खुले में रहता है। और इसको आपको मुझे एक इंस्टेंट बनाना था तो मैंने गर्म पानी लिया है। मुझे 1 घंटे के अंदर बनाना था इसीलिए। और जितना साबूदाना लेना है आपको उतना ही पानी लेना है। जैसे मैंने आधे कटोरी पानी लिया है सिर्फ, और जितना उतना लेना है जितना अच्छे से साबूदाना भीग जाए। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी भीगने के लिए। अगर आप ठंडे पानी में भिगोते हैं तो आपको 4 से 5 घंटे भिगोने होते हैं। तो गाइज़, 1 घंटे बाद अब मैं एक पैन लिया है, उसमें मैंने शुद्ध देसी घी डाला है 1 चम्मच। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, बट शुद्ध देसी घी डालने से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो घी की क्वांटिटी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं गाइस। उसके बाद मैंने घी गरम हो गया है मेरा। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू, जिसको मैंने अच्छी से चाकू से कट नहीं किया है गाइस, मैंने अच्छे से हाथ से ही छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, उसको अच्छे से मैं सेकूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छे से सेकूंगी जब तक उससे सोंधी सोंधी खुशबू नहीं आने लगी, तब तक मैं इसे सेकूंगी गाइस। अब 3 से 4 मिनट हो चुका है, मेरा आलू सीक चुका है। इसे मैं आलू को थोड़ा साइड करके इसमें 1/2 टेबल स्पून फिर से घी डाल रही हूँ। और घी गर्म होने के बाद इसमें मैंने क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा डाला है थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून के करीबन मैंने जीरा डाल दिया है इसमें। जीरा जब थोड़ा सा चिटक जाए अच्छी से तो इसमें मैं अब 8 से 10 पत्ते कड़ी पत्ते के डालूंगी। कड़ी पत्ते मैंने डो के साइड में रखे हुए हैं। उसको आप कड़ी पत्ते की क्वांटिटी यानी कि मीठा नीम जो होता है उसको आप कम बेसी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जिन लोगों को कड़ी पत्ते का टेस्ट कम पसंद है वो कड़ी पत्ते 3 से 4 भी डाल सकते हैं, बट मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए मैंने 8 से 10 पत्ते डाले हैं। अब मैं इसमें ग्रीन चिली डालूंगी कटी हुई, अच्छी से फाइनली चॉप्ड कर लिए। मैंने एक ग्रीन चिली डाली है जो मीडियम तीखी है, ज़्यादा तीखी नहीं है ये चिली। अगर आपको ग्रीन चिली का टेस्ट पसंद है, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। मुझे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए मैंने ऐड किया। बाकी सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने अच्छे से चलाया है इसे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। उसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। अगर आप फास्टिंग में बना रहे हैं तो आप इसमें सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। जनरली लोग फास्टिंग में बनाते हैं, बट ये अच्छा ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा होता है। बट नमक आप जब डालेंगे तो थोड़ा कम डालिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हम साबूदाना डालेंगे उसके बाद हम थोड़ा नमक डालेंगे। अदरवाइज़ ये सारा आलू अभी सारा नमक सोख लेता है, सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम थोड़ा कम नमक डालेंगे। अब बाकी सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं डालूंगी साबूदाना। देखिए, साबूदाना भीग 1 घंटे में मेरा भीग चुका था। अगर आप ठंडे पानी में भिगोते हैं तो आपका साबूदाना और भी खिला खिला होता है, बट ये आपको इंस्टेंट बनाना है तो आप इस तरीके से ही बना सकते हो। आप देखिएगा आगे वीडियो में, एंड तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरा साबूदाना एकदम खिला खिला बना है। तो गाइस, अच्छी से आपको साबूदाना को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी से मिक्स करना है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मूंगफली। गाइस, मैंने मूंगफली को 1 ड्रॉप घी में मूंगफली को अच्छे से सेक लिया था धीमी आँच में। गाइस, जो नमक रह गया था वो नमक अब मैं इसमें ऐड कर दिया है मैंने। और इसमें मूंगफली के बारे में बात कर रही थी, तो मूंगफली को मैंने अच्छे से सेक लिया था, उसको दरदरा पीस लिया था। इसमें आप देख रहे होंगे मूंगफली के मोटे मोटे चंक्स रह गए, वो बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर डालते हैं। गाइस, आप चाहे तो दरदरा पीस के अलग से मूंगफली को, सेकी हुई मूंगफली अलग से भी डाल सकते, बट मैं ऐसे रखती हूँ स्टोर करके, तो मैं मोटे मोटे ऐसे ही पीस के डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मूंगफली आपको एकदम स्किप नहीं करनी है, मूंगफली मेन चीज़ है इसमें डालने के लिए। देखिए, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खिला खिला साबूदाना बना है हमारा। तो गाइस, इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको बताती हूँ कि अब इसमें मैं क्या डालूंगी। पहले मैं इसमें धनिया का पत्ता डाल दूंगी, जो कोरिएंडर लीव्स होते हैं उसे मैं फाइनली चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया, ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसको धनिया पत्ता डालने से और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये साबूदाना की खिचड़ी से पेट बहुत भरा भरा रहता है। अब मैं इसमें पीसी हुई चीनी डालूंगी। गाइस, 1/2 टेबल स्पून के करीबन मैंने पीसी हुई चीनी डाली, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसमें आता है, बहुत ही परफेक्ट बनती है ये वाली। अगर आप ये वाला पार्ट चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट अगर ये ऐड करते तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो गाइज़, आप और साबूदाना की खिचड़ी आप अगर खाते हो तो फास्टिंग के दिनों में आपका पेट काफ़ी भरा भरा सा रहता है, भूख नहीं लगती है, और ये आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। और आलू डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गाइज़ इसका। आप इसको चाय के साथ, रायते के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने स्टोर करके रखा है, आप भी स्टोर करके रख सकते हैं, इसको सब्जियों में भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो गाइस, हमारी साबूदाना की खिचड़ी बनके तैयार है। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें, आप खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो
अच्छा लगा हो, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो गाइज़ आप थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।